दोस्तों फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट होने वाली है और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल को लेकर के आप में से बहुत सारे लोगों का काफी सारा क्वेश्चन आ रहा है। आज की इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन को भी कवर करने वाला हूं और आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फ्लिपकार्ट की जो बिग बिलियन डे सेल है वो फिलहाल यहां पर अब जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। ये जो सेल है वो आपको सितंबर के लास्ट में देखने को मिलेगी। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल को लेकर के काफी लोगों का कंफ्यूजन है कि स्मार्टफोन किस प्राइस पॉइंट पर आएंगे, कौन सा फोन सस्ता होगा, जो स्मार्टफोन हमें लेना है वो सस्ता होगा कि नहीं होगा, क्या डिटेल है। तो देखिए फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में आपको लगभग जितने भी नए स्मार्टफोन अभी लॉन्च हुए हैं या फिर जो भी पॉपुलर स्मार्टफोन है उन सभी स्मार्टफोन पे आपको तगड़ा डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। ये चीज तो आप कंफर्म मान करके चल सकते हैं। हर साल इस सेल में स्मार्टफोन वगैरह पे काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलता है। डिस्काउंट के बारे में बात कर लें तो आपको यहां पर सबसे पहले कार्ड पे ऑफर मिलने वाला है और यहां पर सुनने में आ रहा है कि एक्सिस बैंक वगैरह आईसीसी बैंक वगैरह का कार्ड आपको देखने को मिलेगा। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों ही कार्ड पे आपको डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है 10% का। साथ ही साथ आपको यहां पर कार्ड के बाद में एक्सचेंज पे सबसे बड़ा डिस्काउंट होने वाला है। अभी अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक्सचेंज सेल अलग से आ रही है फ्लिपकार्ट पे, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन को एक्सचेंज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा आपके स्मार्टफोन की वैल्यू दी जा रही है। साथ ही साथ आप स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में भी एक्सचेंज पे बंपर डिस्काउंट होने वाला है और अगर आप अपने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करते हैं तो आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज मैं आपको यह बता दूं कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में आपको डायरेक्ट प्राइस कट भी देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन वगैरह पे या फिर और भी जो भी आइटम है उन पे आपको डायरेक्टली प्राइस कट देखने को मिल जाएगा। कार्ड पे तो डिस्काउंट होगा ही, एक्सचेंज पे भी डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन डायरेक्टली प्राइस कट आपको मिलने वाला है जिससे स्मार्टफोन काफी ज्यादा सस्ता मिल जाएगा। अगर आप एक्सचेंज करेंगे नहीं करेंगे या फिर कार्ड अगर आपके पास में नहीं भी है तो भी आपको स्मार्टफोन सस्ता मिलने वाला है। तो ये कुछ तीन काफी बड़े ऑफर होने वाले हैं जिससे स्मार्टफोन काफी ज्यादा सस्ता होने वाला है। दूसरी चीज आपको ये भी बता दूं, काफी लोगों का क्वेश्चन है कि भाई कौन सा फोन कितने का होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या रियलमी 13 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च हो गए तो क्या रियलमी 12 सीरीज के स्मार्टफोन सस्ते होने वाले हैं। एक्सचेंज वगैरह सारी चीजें करके रियलमी 12 सीरीज का रियलमी 12 प्रो जो है वो यहां पर 9000 7000 8000 की प्राइस पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रियलमी 13 प्रो सीरीज पे कितना डिस्काउंट होगा, रेडमी के नोट सीरीज पे कितना डिस्काउंट होने वाला है। तो यार प्राइस अभी मैं आपको नहीं बता सकता एग्जैक्टली कि क्या प्राइस रहने वाली है स्मार्टफोन की, ये वाला पर्टिकुलर फोन इतने का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के आने का। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल का जो टीजर है वो आपको अप्रॉक्स सितंबर के स्टार्टिंग में ही देखने को मिलने वाला है फ्लिपकार्ट पे और जस्ट उसके साथ साथ में आपको अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का भी टीजर जो है वो अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में ये लोग स्मार्टफोन वगैरह की जो प्राइसेस है धीरे धीरे करके सारी चीजें रिवील करेंगे, मैं आपको सारी चीजें बताता जाऊंगा। साथ ही साथ जो लोग फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में एक अच्छा ऑफर लेने का प्लान कर रहे होंगे उनको कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। हालांकि मैं एक वीडियो सेपरेट लाने वाला हूं जब ये सेल स्टार्ट होगी तो कि क्या डिटेल है कि कैसे आप एक सस्ता फोन जो है वो खरीद सकते हैं, क्या चीजों का आपको ध्यान देना है जिससे आप एक अच्छी डील ले पाए। जैसे कि आपके पास में वो पर्टिकुलर कार्ड होना चाहिए, आप सेल स्टार्ट होने के पहले वेट ना करें कि सेल जो है वो एक दिन दो दिन चल जाए फिर मैं स्मार्टफोन या फिर कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको परचेस करूं, क्योंकि सेल में होता क्या है कि एक दो दिन के बाद में जो प्राइसेस हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज होने लगती हैं। और अगर आप आईफोन्स लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आईफोन्स पे तगड़ा डिस्काउंट होने वाला है, पर्टिकुलरली आईफोन 14 सीरीज और आईफोन 15 सीरीज पे, इन दो सीरीज के स्मार्टफोन्स पे आपको तगड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में। तो आपको आईफोन अगर लेना है तो जरूर से आपको टारगेट लेकर के चलना है और आपको मैं तो यही कहूंगा कि जिनको आईफोन परचेस करना है वो फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप लेके रखें, क्योंकि एक दिन पहले सेल प्लस मेंबर्स के लिए स्टार्ट होती है और जो आईफोन वगैरह है जो तगड़े स्मार्टफोन है जिसपे आपको अच्छा डिस्काउंट मिलता है वो प्लस मेंबर में ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं प्लस मेंबरशिप में ही। तो आप जरूर से अगर आप प्लस मेंबरशिप लिए रहेंगे तो आप डेफिनेटली स्मार्टफोन को खरीद पाएंगे, वहां पे भीड़ भी कम रहती है जिससे स्मार्टफोन जो है वो आसानी से आप परचेस कर लेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, सेल जो है वो अप्रॉक्स आपको यहां पर सितंबर के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अभी नेक्स्ट सेल कौन से आने वाली है, तो फ्लिपकार्ट पे नेक्स्ट सेल अभी आपको छोटी मोटी सेल देखने को मिलेंगी। जस्ट लाइक आप अभी देख रहे होंगे कि 18 तारीख तक ये सेल, आज तक एक सेल चल रही है फ्लिपकार्ट पे जिसका नाम एक्सचेंज वैल्यू
डे सेल ऐसे करके है, तो उसके बाद में भी एक सेल अभी आने का चांस है और इसका इस सेल का नाम होने वाला है मंथ इन मोबाइल फेस्ट सेल। जैसे स्मार्टफोन्स, जिस सेल में आपको स्मार्टफोन्स पे तगड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है मंथ इन मोबाइल फेस्ट में, तो इन सब सेल में आपको डिस्काउंट तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना कि आपको बिग बिलियन डे सेल में मिलने वाला है। तो आप इन सभी सेल, छोटी मोटी सेल में कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए अवॉइड करें, क्योंकि डेफिनेटली जब एक बड़ी सेल आ रही है तो फिर हम छोटी सेल में परचेसिंग क्यों करेंगे। तो ये डिटेल है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है फ्लिपकार्ट के अपकमिंग बिग बिलियन डे सेल को लेकर के, आपकी क्या प्लानिंग है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल को लेकर के, क्या चीजें आप परचेस करने के लिए प्लान कर रहे हैं, हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों इतना उस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ही कर लेना।